नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा मंगलवार को चौथे दिन कृषि उपज मंडी कसरावत नगर में आगमन हो गया। पंचक्रोशी यात्रा में शामिल होने आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का सिलसिला सोमवार देर रात से ही नगर में आना शुरू हो गया। जीवन दायिनी मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए नर्मदे हर बम भोले ओम नमः शिवाय जय घोष के साथ हजारों परिक्रमा वासियों का कारवा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। इस दौरान जगह जगह संगठनों भक्तों द्वारा स्वागत भी किया गया। इसके बाद पंचक्रोशी यात्री मुख्य मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी परिसर पहुंचे। कसरावत नगर के समिति श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। यहां प्रसादी ग्रहण करने के बाद पंचक्रोशी यात्री अपने अपने टोलियों के साथ भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। यहां रात्रि विश्राम कर सुबह भेलगांव डोंगरगांव होते हुए ग्राम ढालखेड़ा पहुंची। वहीं अन्य विभागों का प्रशासनिक अमला भी अलर्ट रहा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। शुरू होती और कहाँ खत्म हो रही है? महेशमति पंचक्रोशी यात्रा का ये 37वां वर्ष है। ये वर्ष के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रारंभ होती है महेश्वर में, जो तीन दिनों बाद कसरावत त्रयोदशी को आती है और कसरावत नगर वासियों के सहयोग से यहाँ पर उनका भोजन भंडारा कार्यक्रम किया जाता है। कितने किलोमीटर की यात्रा है ये? 70 किलोमीटर की यात्रा 5 दिनों में तय की जाती है। और पंचक्रोशी यात्रा में जो श्रद्धालु आए हैं कितनी संख्या होगी इनकी? लगभग 15 से 20 हजार श्रद्धालु नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा में आए हैं और ये पंचक्रोशी यात्रा का 37वां वर्ष है और प्रतिवर्ष कसरावत नगर की हमारी जो नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा स्वागत समिति है उसके द्वारा प्रतिवर्ष इन यात्रियों को मां नर्मदा के भक्तों को भोजन प्रसादी करवाई जाती है और उसी तारतम्य में आज हमारी पंचक्रोशी यात्रा स्वागत समिति द्वारा मां नर्मदा के भक्तों के लिए प्रसादी खिचड़ी एवं मुक्ति की व्यवस्था की गई है। महिलाओं की संख्या बहुत अधिक नजर आ रही है इसमें। हाँ, महिला श्रद्धालु प्रतिवर्ष अधिक संख्या में इस यात्रा में आते हैं। मां नर्मदा के प्रति हमारे निमाड़ क्षेत्र में और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है हमारी मां नर्मदा और मां नर्मदा के कारण ही निमाड़ हमारा आज हरा भरा और विकसित दिखाई दे रहा है और मां नर्मदा के प्रति लोगों का एक लगाव और मां नर्मदा की भक्ति करने का जज्बा निमाड़ के लोगों में है और निमाड़ की लगभग निमाड़ के साथ ही हमारे आसपास के जिले देवास धार बड़वानी खंडवा और हरसूद हर्रा तक के सारे लोग इस यात्रा में आते हैं और प्रतिवर्ष पैदल परिक्रमा करके मां नर्मदा की भक्ति करके पुण्य प्राप्त करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।